राहुल जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरे जो हस्बैंड है वो बोलते हैं कि आप अपने माँ बाप कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो, आपके माँ बाप ने दान कर दिया है तो सिर्फ आप मेरी हो, इसके अलावा अब छोड़ दो, तुम मोह माया छोड़ दो, भाई बहन से रिश्ता छोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी, बोले तो भगवान से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आप मुझे मानोगी, माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो गुरु जी, ऐसा होगा क्या कि माँ बाप को छोड़ दे, जहाँ अपन ने जन्म लिया है, जहाँ पर खेले कूदे सब कुछ हुआ और वहाँ पे अपन माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो, घर में ही तो हो माँ बाप के पास। पर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप छोड़ दो, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँ, मेरे को आप ये बताइए। पति के पास कब से नहीं गए आप? एक साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? दो साल, तीन साल हो गए। तो तीन साल में एक साल से आप अलग हैं? दो साल तो उनके पास रही हूँ और एक साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ मैं। उनका बिल्कुल फोन नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना होना तो मेरे पास मत आना। उनका फोन नहीं आता तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। हाँ, इसी चक्कर में साल गुजर गया। वो थोड़ा सा ईगो में रहते, बोले तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, मुझे घर ही घर में बोले अंदर के अंदर रखते हैं, वो बोलते बाहर नहीं निकलने दूंगा बिल्कुल, मतलब घर में से बाहर भी नहीं निकलने देते। वो पूरा गांव है, वो गांव में मतलब ऐसा रहता है कि बहुत जानवर घूमते रहते, मैं कैसे रहूं, मैं इंदौर में रहती हूँ। तो मैंने बोला था जानवर घूमते हैं इसलिए तो कहते हैं कि घर के अंदर रहो। कितने अच्छे पति हैं आपके, कुत्ता काट लेगा आपको, इसलिए तो कह रहे हैं घर के अंदर रहो। जी ऐसा नहीं होता है ना, पर आप तो कह रही हो कि जानवर रहते हैं बाहर, और मार दे कोई बैली मार दे आपको, सींग घुसा दे पेट में, फट जाए पेट, अंदर ही अंदर इंसान कब तक रहेगा? अरे तो कभी घूमने जाया करो पति के साथ। ऐसा नहीं होता है ना, मर्यादा में रहते हो, मर्यादा ऐसी कैसी मर्यादा जो बाहर मतलब अपन को कहीं ले नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर ही अंदर रहेगा? और पति कहीं घुमाने वाने नहीं जाता था? अरे तो दो साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, समय कहां दिया आपने, भाग के चली आई मायके? तो वो इसलिए आई हूं ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको, जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे? तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए, रहे माँ बाप की बात, पति कहता है कि बात ना करो, हाँ। पति कहता है रिश्ता ना रखो, हाँ। संसार का हर पति गुस्से में अपनी पत्नी से यही कहता है पर वो कि अपने माँ बाप से कोई रिश्ता ना रखना, पर गुस्सा नहीं है ना, पर गुस्सा ठंडा होने के बाद आप कर लिया करो रोज। बोला कि एक साल तक तुम मतलब घर नहीं जाओगी, एक साल तुम। आप जब अपने पति के पास थी तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी, रोज करती थी। तो पति परेशान हो गया होगा, रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा हो जो परेशान होना, 5 मिनट रोज क्यों, रोज क्यों? माँ से इतनी बात नहीं हो पाती थी, पापा से बात करती थी मैं, कोई 5 मिनट। आपकी सास है? सास है। ससुर है? नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, कास इतना आप वो तो मुझे इतना प्यार करती, सास की तरफ अटैच होती ना, वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है। आपकी सास की तरफ आप अटैच होती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है, एक घड़ी उनके लड़कों को बोलते कि नहीं तू गलत है, वो लड़की सही है, आज किसी की लड़की नहीं। आप अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी ऊपर, क्योंकि वो जो मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? मेरे माँ बाप भी तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समझाओ कोई इसे बच्ची को, पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं, ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये। बैठो उसको माइक दो बेटा, माइक दो आप बात करेंगे उनसे। हम हाँ बोलिए। बेटा शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया, आप अपनी माँ से जुड़े रहो, हर लड़की अपनी माँ से जुड़ी रहती है, हाँ। और जुड़े रहना अच्छा है, अपने भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं छोड़ती। पर पति सारे रिश्तों में, शादी के बाद स्त्री का सबसे बड़ा रिश्ता अब किसी और से ना होकर यदि चुनने में आए कि आप अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे, तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है। और आपने अपने माँ बाप को चुना, चलो माँ बाप जब तक जिंदा है, जब तक है तब तक तो आपका ठीक है, कल को आपकी भौजाई है आपकी? नहीं है। आने दो, सबसे बड़ी डंडे से मारेगी, सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। ऐसा नहीं करेगी, कोई है ही नहीं ना ऐसी, कोई है ही नहीं ना, कोई है ही नहीं, मतलब ऐसा कोई है ही नहीं वहाँ पर, सिर्फ दो जने तो है। कौन दो? आपका भाई नहीं है? मेरे भाई भी नहीं है, मैं चार सिस्टर है बस। अच्छा, बहन बहन हो, तब सोचा के मिलवाट के यही रह लेंगे। अच्छा, फिर पति की जरूरत आपको लगी नहीं? ऐसा कुछ नहीं, भाई भाई होता तो भौजाई का डर होता, भौजाई का होना भी जरूरी है, ये मारेगी, भागो। मैं भाई भी मेरे कान्हा जी को मानती हूँ, भाई मेरे पापा को भी मानती हूँ, सिर्फ ये दो मेरे भाई है। चलो अच्छा, फिर ठीक है, लेकिन पति पर कृपा करो थोड़ी, बेचारा रोता होगा, मैसेज रोज आते हैं। फिर कितना परेशान कर रही हो आप, मैसेज रोज आते हैं, इतना अच्छा पति पाके आप बताओ उसके साथ अत्याचार कर रही हो। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना, उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। अच्छा हुआ बेचारा अभी जीवित जीवित है, यादों में मरना जाए। नहीं वो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, तड़पाती रहोगी आप, मरना भी नहीं है जीना भी नहीं है। वो तो बेचारा बीच धार में लटका, ना यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, तो आपको कंफर्म बताओ उसके संग रहना है कि नहीं रहना है? पर वो मेरे माँ बाप से मतलब ही नहीं रख रहा ना। आप एक काम करना, अपने पति को मेरे पास लेके आना। वो नहीं, किसी को नहीं मानते, कोई मतलब किसी के पास नहीं जाते। लेके आओगे तो बहुत बढ़िया समझाऊंगा उसको मैं। नहीं भगवान जी के पास जाते, कभी मतलब पूजा भी नहीं करते। कोई बात नहीं, तो आप सिखा दो ना सब उसको, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, सत्संग करना और माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, सब आप सिखा देना। वो इसमें सीखने वाले जैसे नहीं है ना। स्त्री पत्नी किसे कहते हैं बताओ? जो हर आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए, मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में
ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही? हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग मांग करके भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो, पति है, मना लो, नहीं मान रहा, मान जाएगा अपने? अरे पत्नियां चाहें तो अपने पति को तो वश में कर लेती हैं, जो चाहे जहां चाहे वहां ले जाए। आप कैसी पत्नी वश में नहीं कर पा रही? उसमें के है ही नहीं ना जो वश में कर लूं मैं। अरे आपको आता नहीं है वश में करना, अब आप हो ही नहीं साल भर से। कैसे करना चाहिए मुझे बताओ? कैसे करना चाहिए? प्यार से, अच्छा, प्रेम से। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। अच्छा बताओ आपको कौआ का काव काव अच्छा लगता है कि कोयल की कू कू अच्छी लगती है? कोयल की कू। कोयल की अच्छी लगती है ना। अब कौआ भी काला है, कोयल भी काला काली है। कौआ काव काव करता है, किसी को पसंद नहीं, पर कोयल बोलती है ना सबको अच्छा लगता है, जबकि दोनों काले हैं। कौआ ने आपके घर कोई चोरी नहीं की और कोयल ने आपको कोई धन नहीं दिया। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, बस मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है मीठी वाणी। आप प्रेम के मीठे शब्द अपने पति के लिए बोलिए तो सही, वो तो आपके आगे पीछे डोलेगा खबरों की तरह। ठीक है गुरुजी। हम्म, तो आप जाओगी ससुराल? हाँ चली जाऊंगी। और बात करना आज ही रात को उससे। आज तो नहीं करूंगी, मैं इंदौर से आई हूँ। अरे तो फोन तो लगा सकती हो? नहीं अभी नहीं लगाऊंगी मैं, फिर एक बार लगाने लग जाऊंगी तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो कब लगाओगी? मैं 2 से 3 दिन बाद जाऊंगी इंदौर, इसके बाद लगाऊंगी फ्री होके। अच्छा ठीक है, तो लगा लेना पर, और फोन ही मत लगाना, जाके मिल लेना। गलतियां किसकी भी हो माफ करना सीखो, है ना, और रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए कल की बातों को भुलाना सीखो। रिश्ते तब चलते हैं जब अंदर सहनशीलता हो। तो वो अपने माँ बाप से मतलब नहीं रखेगा तो फिर मैं मतलब कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ठीक है मैं तुमको एक साल तक नहीं पहुंचाऊंगा। आपके पिताजी हैं क्या यहाँ पर? अभी नहीं आए, मैं उनको लेके नहीं आई। आपके पिताजी को लेके आना। ठीक है, सारी गलती आपके पिताजी की है? नहीं गुरुजी मेरी है। आपकी है? क्यों? मैं नहीं बोला था कि पापा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा, बोलते ठीक है बेटा तेरी इच्छा जैसा करना वैसा कर ले। आपकी माँ कब से नहीं है? मेरी माँ तो है। हैं? पिताजी हैं? हाँ, माताजी हैं? हाँ, तो माँ है यहाँ पर? नहीं वो कथा सुन के चले गए। कहाँ? यहीं से हैं? सनावत से? नहीं इंदौर से। कल लेके आना अपनी माँ को। मम्मी तो रोज आते हैं। कल ले आना प्रश्नोत्तरी में। ठीक है, कल मैं आपकी माँ से बात करना चाहूंगा। ठीक है गुरुजी। आपकी माँ की भी गलती है, आपके पिताजी की भी गलती है। कल को आपका पति बिल्कुल मुकुर जाए कि नहीं अब मैं इस औरत के संग नहीं रहूंगा, और आपका यदि भगवान ना करे चलो आगे ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं तलाक हो जाए या ये सब ना हो भगवान करे, पर हो गया तो इसमें पूरी जिम्मेदारी पूरी गलती आपके माँ बाप की, आपका घर बिगाड़ने में आपके माँ बाप ने भी मुझे बहुत समझाया कि एक बार देख ले, एक बार वो ट्राई कर ले। पर आपकी माँ ने नहीं समझाया? माँ ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया, बड़ी दीदी ने भी समझाया, सभी समझाते मुझे तो। पर आप किसी की नहीं समझती हो? अब आपकी समझ में। ठीक है जाओ, अपना जीवन बर्बाद ना करो। माँ बाप के रहते सब ठीक है, माँ बाप के बाद पता चलता है बेटा कि गृहस्थी कितनी जरूरी है और रिश्तों की कितनी अहमियत है।